स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले मुंगेली जिले में निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आशीर्वाद नामक निजी अस्पताल में यहां जिस डॉक्टर के नाम पर ओपीडी तक अस्पताल संचालन की अनुमति ली गई है वह तो यहां रहते ही नहीं लेकिन इलाज से लेकर ऑपरेशन का काम जुगाड़ में चलता है। महीने भर पहले खुले इस अस्पताल में न कोई विशेषज्ञ और न एमबीबीएस डॉक्टरों की टीम और न ही कोई सर्जन है, इसके बावजूद इस अस्पताल में धड़ल्ले से मोटे रकम लेकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहां खुले आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर गोरख धंधा चल रहा है। ताजुब की बात तो यह है कि बगैर स्त्री रोग विशेषज्ञ के यहाँ प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करते हुए जनरल सर्जन ही सर्जरी कर प्रसव करा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ जिला अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन करने आते हैं जो कि नियम के विपरीत है। स्थिति यह है कि न निजी अस्पताल वालों के पास लाइसेंस है और न ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, इसके बावजूद आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए उनके जेबों पर डाका डाला जा रहा है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार वाले मुंगेली जिले की निजी अस्पतालों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलम तो यह है कि निजी अस्पतालों के पास नर्सिंग होम का लाइसेंस तक नहीं है लेकिन फिर भी इसे धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही कदम पर मुख्य मार्ग पर संचालित किए जा रहे आशीर्वाद अस्पताल में ऑपरेशन तक के काम जुगाड़ से चल रहे हैं। महीने भर पहले खुले इस अस्पताल में ना कोई विशेषज्ञ है और ना ही एमबीबीएस डॉक्टर की टीम है और ना ही कोई सर्जन, बावजूद इसके इस अस्पताल में धड़ल्ले से मोटी रकम लेकर ऑपरेशन किए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये देखिए कि जिला अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करने के लिए पहुँचते हैं। इधर इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति करने में जुटे हुए हैं। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए कस्पोरा।